गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सवाल सॉल्व किए जाएंगे, जिसमें कुछ सवाल बाकी रह गए थे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए जब बहुपद x³ + 4x² - 3x + 10 में x+7 से भाग दिया जाता भाग दिया जाता है, तो इसमें हमको शेषफल प्रमेय से ना कि भाग देना है। अतः अब देखिए, ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, इस बहुपद से इसमें भाग दिया जाएगा। तो भाग देने का मतलब कोशिश ये रहती है कि हमारा शेषफल कितने के बराबर आए, शून्य के बराबर। तो हम इसको हम किसके बराबर रखेंगे, शून्य के। x+7 = 0, x = -7 बहुपद में रखने पर कभी कभी इस तरीके से सवाल पूछता है, ज्ञात कीजिए कि इतने का इनमें इतने से भाग देने पर यह इसका गुणनखंड है या नहीं है, या इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x+7 अगर शून्य है तो इसको जीरो करेगा, यानी x+7 = 0, x - 7 रखकर अगर ये जीरो हो गया तो इसका शून्य है, नहीं हुआ तो नहीं है। वही काम इसमें भी हम करेंगे। तो रखेंगे x³ + 4x² - 3x + 10। अब अगर इसमें भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें x के जगह पे -7 रखेंगे, जितना बच गया सॉल्व करते जाएंगे, जो आ गया वही हमारा शेषफल होगा। -7³ + 4 - -7² - 3 - 7 + 10 ये हो गया 343, 7 × 7 = 343, -343। 7 × 49 में 4 का गुणा, यानी 4 × 49 कर दें, 3 × 7 = 21, -− का गुणा +21 + 10 -343, 49 में 4 का 4 × 9 = 36, 6 × 4 = 16, 3 = 19, 196 प्लस है ये, +21 + 10 प्लस वाला जोड़ लीजिए, -343, 196 और 10, 206 + 21, 227। 343 में से 227 को हम घटाएंगे, 13 में से 7 = 6, 3 में से 2 = 1, 3 में से 2 = 1, -116। इसका शेषफल जो होगा, इसमें जब इससे भाग दिया जाएगा तो शेषफल -116 आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद x^11 - 20 को x-1 से भाग देने पर
शेष फल जाए। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि किस नियम से आपको ज्ञात करना कि भाग देके ही ज्ञात कीजिए कि शेषफल परमेय से, तो आसान पड़ेगा शेषफल परमेय, भाग बहुत लंबा होगा। आता है x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर एक बहुपद में रखने पर बहुपद में हम रखेंगे, बहुपद हमारा x की पावर 11 माइनस 20, x के जगह पे एक रखेंगे, एक के पावर 11 माइनस 20, एक पे चाहे जितने का पावर लगा दीजिए उसका मान एक ही होगा, एक माइनस 20 यानी हो गया माइनस 19, आंसर इसका शेषफल होगा माइनस 19, कितना होगा माइनस 19। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। यदि x प्लस 1/2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 3 का एक गुणज है तो p का मान, तो हमको पता है, ये जानते हैं कि अगर इसका ये एक गुणज है या गुणनखंड है तो इसमें x के जगह पे x बराबर इसको जीरो करेंगे, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा, और जब गुणज हम शेषफल शून्य आएगा तब हम इसको यानी हम इसको लिखेंगे, अतः यदि x प्लस 1/2 बहुपद का एक गुणज है तब बहुपद में x मारा x प्लस 1/2 बराबर 0 या x बराबर माइनस 1/2 रखने पर बहुपद का मान शून्य होगा। शून्य होगा तो शून्य होगा इसको यानी हमको p का मान ज्ञात करना, तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर, px स्क्वायर माइनस 4px प्लस 3 बराबर होगा 0, x की जगह पे हम एक माइनस 1/2 रखें उसके बाद उसको हल कर दें, हो गया हमारा p गुणे माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे माइनस 1/2 सॉरी 4 गुणे 4 पी गुणे माइनस 1/2 प्लस 3 बराबर हो गया 0, ये माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 यानी पी 4 और ये हो गया प्लस 4 पी 2 प्लस 3, 2 से ये कट गया, पी 4 प्लस 2 पी प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम हल कर लें उसके बाद ज्ञात कर लेंगे, इसको जब हल करेंगे इसको बटे करके हल कर लिया जाए, 1p यानी केवल p प्लस 4 गुणा 8p 4 एक अन्य 4
इसको उधर पक्षांतर कर दोगे माइनस तीन, क्योंकि इसमें पी है नहीं, इसको उधर पक्षांतर कर लिया जाए इसी समय। 8p + 8p हो गया 9p/4 बराबर माइनस तीन। तो p बराबर हो गया, ये बटे में है, ये गुड़े में हो जाएगी, ये गुड़े में ये भाग में हो जाएगा, माइनस 3 × 4/9, 3 × 9 यानी कि आ गया p का मान -4/3। ये आंसर होगा, p का मान कितना होगा, -4/3। एक बार पुनः इसको देख लें, दिया है यदि x + 1/2 बहुपद इतने का एक गुणज है तो p का मान क्या है, जब यह बहुपद का गुणज है तो बहुपद में x = -1/2 यानी इसको उधर पक्षांतर करेंगे, x = -1/2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि शेषफल शून्य आएगा, जब गुणज है तो कन्फर्म है इसका शेषफल शून्य होगा, तो शेषफल शून्य होगा। अब इसको शून्य के बराबर पी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ शून्य ये हो नहीं पाएगा क्योंकि पी दिया है। अब यहाँ पे इसको हम किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर, क्योंकि इसका मान शून्य के बराबर होगा, एक्स के जगह -1/2 रख के हल कर दिया गया, पी का मान आ गया -4/3। हाँ, अब इसको अगर आपको जीरो करना है तो पी के जगह पे -4/3 रख के इसको सॉल्व कर दीजिए, जीरो हो जाएगा ये भी, ठीक। अब ये छठा क्वेश्चन उसी साइड तरीके का आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो फिर कल बताया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो शायद 7वां भी उसी तरीके का है, सवाल नंबर 7 भी उसी तरीके का है, 8 जहाँ की वो कितना 8वां हम बता रहे हैं। जांच कीजिए कि बहुपद x - 1/2 बहुपद x² + 3x + 7/4 पर यहाँ माइनस है का गुणज है। आपको जांच करना कि बहुपद इतना इतने का गुणज है, तो गुणज है यानी गुणज अगर है तो इसको किसके बराबर करेगा, जीरो के बराबर, क्योंकि x - 1/2 बहुपद x² + 3x - 7/4 का गुणज है।
अतः x माइनस ए बटे दो बराबर जीरो, x बराबर क्या होगा ए बटे दो रखने पर बहुपद का मान होना चाहिए जीरो। x बराबर ये उधर गया प्लस हो गया एक बटे दो, x के जगह पे एक बटे दो रखा जाएगा तो उसका मान बहुपद का मान क्या होगा, का मान शून्य होगा। बहुपद x स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस सात बटे में x बराबर एक बटे दो रखने पर, अब यहाँ पे हम इसको जीरो बराबर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसमें किसी का मान नहीं ज्ञात करना कि कोई अक्षर आ गया x k आ गया p आ गया a आ गया b आ गया, कोई अक्षर नहीं है उसके x के अलावा कि हमको उसका मान ज्ञात करना, तो इसको खाली डायरेक्ट जीरो करना, हम जीरो बराबर कर भी सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब x के जगह रख दो एक बटे दो का स्क्वायर प्लस तीन गुणे एक बटे दो माइनस सात बटे चार, एक बटे दो का स्क्वायर हो गया एक बटे चार प्लस तीन कहने तीन बटे दो माइनस सात बटे चार। ये तीनों भिन्न हैं, इनको सॉल्व करना है तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। दो चार का एलसीएम होगा चार, चार से चार में भाग दिया गया एक प्लस दो से चार में भाग दिया गया दो तिया छः माइनस चार से चार में भाग दिया गया एक, एक का सात में गुणा सात, छः एक सात माइनस सात बटे चार बराबर हो गया जीरो बटे चार बराबर जीरो। शेषफल का मान शून्य है, शेषफल हमारा कितना आ गया जीरो। भाई एक्स के जगह जो मान हम रख के हल करते हैं ये मान, वो क्या निकालता है शेषफल ही ज्ञात कराता है कि कितना शेषफल इसका हुआ। शेषफल का मान शून्य है, अतः नीचे लिखेंगे अतः बहुपद x माइनस एक बटे दो बहुपद x स्क्वायर प्लस तीन x माइनस सात बटे चार का गुणज है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक, अब अगले वीडियो में फिर आगे बताया जाएगा। थैंक यू।